हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर वन का एडवांस वेब डिज़ाइनिंग का, ठीक है, ऑफ योर क्लास 12 HSC महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। एक्चुअली बोथ द चैप्टर्स आर सेम इन योर IT साइंस एंड इन योर IT कॉमर्स एज वेल, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका पेपर पैटर्न भी आपको बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले चैप्टर, ठीक है। तो देखो सेम है, आपको तो पता ही होगा, एक्सरसाइज भी सेम है, ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सेम है, ठीक है ना। सेम है। एंड यहाँ पे जरा देख लेते हैं इसका, देखो यहाँ पे ये जो HTML का है, ठीक है, ये जो आपका HTML का यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपके साइंस का है, ठीक है। तो साइंस में कैसा है, एक HTML से आने वाला है, मतलब दो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, तो एक CSS पे विथ HTML और एक सिर्फ HTML रहेगा, और एक JavaScript दोनों भी रहेगा, तो उसमें HTML का प्रोग्राम आने वाला है आपको, ठीक है। फिर बाद में ये चैप्टर का हम लोग कंटेंट कितने मार्क्स का क्या वेटेज है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कितना है, 20 मार्क्स का ये, ठीक है, और विथ ऑप्शन इट इज़ 25 मार्क्स। पर यहीं पे ये देखो, ये जो है जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दोनों भी HTML के ऊपर ही है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भी HTML के ऊपर है, ये भी HTML के ऊपर ही है, ठीक है ना। और इसका पेपर पैटर्न के हिसाब से वेटेज देखो, चैप्टर का वेटेज इस पे थोड़ा डिफरेंट है विथ ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन वाला 20 मार्क का ही, पर ये जो दिया है देखो ये 30 मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। इधर कितना है, 25 है, इधर 30, मतलब थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको कॉमर्स में, ठीक है। सो यही था स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका रिविजन। बी रेडी फॉर यू कैन से लॉन्ग वीडियो, ठीक है। तो पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। एंड किसी कोई कोई चीज़ शायद से मैं इसमें फिर से ना सिखाऊँ, क्योंकि मैंने पहले से ही चैप्टर में आप लोग को बता दिया था चैप्टर वीडियोस में, तो आप लोग वहां से रेफर कर सकते हो। पर यहाँ पे देखो रिवीजन कैसे किया जाता है ये चैप्टर को, ठीक है। 2 घंटे में अगर चैप्टर करना है तो कैसे करेंगे वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, लाइक कर दीजिए वीडियो को अच्छा लगे तो। इफ़ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू कैन रिसीव दी लेटेस्ट वीडियोज दैट इज बिंग अपलोडेड इन टेक्नियोजन चैनल। एंड द लास्ट थिंग इज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड स्टूडेंट्स, ताकि उनको भी हेल्प आउट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एडवांस वेब डिजाइनिंग वही है। मेन तो इसमें क्या है, बेसिक आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस है, जैसे यू कैन से मेन HTML के ऊपर फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर्म्स HTML में क्या क्या है, मतलब क्या क्या उसके इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, और एक प्रोग्राम, ये मैंने बहुत हर वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रोग्राम वीडियोज होने दो कि एक्सरसाइज के इसमें, तो किसमें भी मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो ये एक फुल फॉर्म आप ध्यान में रखो, दैट इज HTML इज व्हाट, सिंपल योर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड देन फॉर्म एलिमेंट्स वी विल कम अक्रॉस विद, ठीक है। फॉर्म एलिमेंट्स को देखना है आप लोग HTML5 वर्जन का जो होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे यू कैन से फील्ड्स होते हैं, जैसे चेकबॉक्स हो गया, रेडियो हो गया, फॉर्म जो भी टेक्स्ट हो गया, ठीक है, सेलेक्ट हो गया, एरिया हो गया, सेलेक्ट इज फॉर जो कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स अगर रहेंगे तो उसमें से कुछ एक आध दो सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने के लिए, जो ऐसा वाला आता है आपको ड्रॉप डाउन, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐसे ऐसे जो होता है, ठीक है, ऐसे जो होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये करते हो तो ये ड्रॉप डाउन ऐसे बन के आ जाता है आपको नीचे, वो हो गया, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया मतलब जो एड्रेस वगैरह रहता है उसमें मल्टीपल रोज और कॉलम्स के हिसाब से जो रहता है वो टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और बाकी सबमिट बटन सबमिट करने के लिए, ओके। सो ये सब कंट्रोल्स है, और वैलिडेशन पर्पस के लिए यू कैन यूज द एडिशनल फॉर्म कंट्रोल्स ऑल्सो, ओके। ये एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वीडियो में, ठीक है, तो आप लोग यूज कर सकते हो उसको भी। बट यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इनपुट फॉर्म एलिमेंट्स कौन से हैं आपके, ठीक है। जैसे कि आपको कलर हो गया, एक इनपुट कलर लेंगे तो आप कलर पिकर दिखेगा, ठीक है। नंबर तो नंबर के लिए आप एंटर कुछ नंबर वगैरह एंटर करना है, एज वगैरह एंटर करना है तो जैसा होता है, ठीक है। यूआरएल फॉर यूआरएल के लिए, यूआरएल मतलब जो एड्रेस बार पे, जैसा ये एक यूआरएल हो गया, ठीक है ना, ये एक क्या हो गया, यूआरएल हो गया ऐसा, ठीक है, ये हो गया। फिर यू कैन से डेट फॉर डेट, ईमेल फॉर ईमेल, ईमेल ज़्यादा करके रहता है, क्योंकि कोई भी फॉर्म में कैसा होता है, स्टूडेंट का फॉर्म होने दो या फिर कोई भी एक फीडबैक फॉर्म होने दो, उसमें ईमेल तो रहता ही है, नेम रहता है, ईमेल रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट नंबर के लिए टेल करके आप ले सकते हो, यहाँ पे देखो ये टेल वाला दिया है। तो ये तीन चार जो इनपुट टाइप ये है, मतलब एलिमेंट्स है, इनपुट एलिमेंट्स है आपके फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर का, फॉर्म कंट्रोल के अंदर का। तो
तो ये एक अच्छे से याद करके रखो आप लोग, ठीक है। बाद में सर्च भी है, फाइल है, रेंज है, पर इम्पोर्टेंट में बोले ना तो एक आप ये वाला देख लेना, नंबर वाला, ईमेल वाला, डेट वाला, ठीक है। फिर बाद में यू कैन से टेल, टेल मतलब वही जैसा बताया, टेलीफोन नंबर का 10 नंबर्स के रेंज में रखना है तो वो लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे इनपुट रेस्ट्रिक्शन, सो वैलिडेशन पर्पज के लिए हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कैसा है, जैसा अगर कोई इस पे अगर हम लोग को एंटर नहीं करवाने के लिए देने का है, ठीक है, मतलब कोई एक टेक्स्ट है उसमें एंटर नहीं करवाना है अपने को, उसमें एग्जाम बोलता है ना एकदम धुंधला जैसा दिख के, एकदम वो डिसेबल टाइप का दिखता है, तो उसको डिसेबल लेना है। फिर मैक्सिमम और मिनिमम एक रेंज वैल्यू अगर आप लेते हो कोई, तो उसमें मैक्स और मिन ले सकते हो। फिर पैटर्न ले सकते हो, ईमेल आईडी के लिए एक पैटर्न होता है, जैसा क्या है कि भाई एट द रेट होना चाहिए, ठीक है ना, और एक डॉट होना चाहिए, मतलब जो भी आप लिखते हो www.xyz, ठीक है ना, @gmail.com, तो gmail.com हो गया ना। यहाँ पे देखो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, दिख नहीं रहा है, तो जो भी है xyz@abcmail.com, ठीक है ना, मतलब ये डॉट और ये एट द रेट, ये एक पैटर्न है, मतलब कुछ भी कैरेक्टर्स उसके बाद एट द रेट, फिर कैरेक्टर्स, फिर डॉट, ठीक है, फिर बाद में कैरेक्टर्स रहना चाहिए, तो वो एक पैटर्न हम लोग लेते हैं, बेसिकली रेगुलर एक्सेप्शन पैटर्न बोलते हैं उसको। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये कभी आपको फिलअप्स में या ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है। मैक्स और मिनिमम भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। रीड ओनली मतलब सिर्फ आपको यू कैन से मतलब दिखेगा, मतलब आप उसको एंटर नहीं कर पाओगे यहाँ पे, सिर्फ वो एक डिसेबल टाइप का दिख के एक्चुअली, तो मतलब थोड़ा उसका कलर फेंट रहेगा और वो सिर्फ डेटा दिखेगा आपको, पर आप उसमें एंटर कुछ नहीं कर सकते। रिक्वायर्ड मतलब जो नेम होता है, नेम फील होता है, जाहिर सी बात है कोई भी फॉर्म अगर भरते हो तो उसमें नेम नहीं होगा क्या, नाम तो लावारिस थोड़े ना होने वाला है वो, ठीक है ना, मतलब नाम तो रहने वाला है उसमें, तो उसके लिए वो जो नेम होता है ना कोई भी फॉर्म में अगर आपका हुआ है यहाँ पे, सपोज ये एक बड़ा कैन से फॉर्म है, तो वहाँ पे नेम जरूरी है, बराबर, ये टेक्स्ट बॉक्स में नेम जरूरी, फिर बाद में रोल नंबर आता है, फिर बाद में जो भी है एड्रेस आएगा या एज वगैरह आएगा आपका, बराबर ना, पर ये जो है वो मैंडेट होता है, तो इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड, क्योंकि ये चाहिए ही अपने को, नहीं देगा तो आगे ही नहीं बढ़ेगा, जब भी सबमिट बटन करोगे तो आगे ही नहीं जाएगा ऐसा, तो वो रिक्वायर्ड हो गया, ऑटो कंप्लीट हो गया, ऑटो फोकस हो गया, हाइट और विड्थ, इमेज वगैरह लेते हो तो हाइट और विड्थ हो गया, ठीक है ना, मतलब इमेज के लिए तो अलग है, और मतलब जैसा इनपुट में भी अगर ये इमेज लेते हो आप, ठीक है ना, इमेज एक अलग से भी लेते हो आप, इमेज सोर्स वगैरह, इमेज टैग से, और एक इनपुट में भी इमेज अगर लेना है तो वो हो गया, ठीक है। मल्टीपल मतलब आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज अलाउ करना रहेगा, तो इसमें देखो हाइट और विड्थ इंपॉर्टेंट है बहुत, रिक्वायर्ड एक इंपॉर्टेंट है, प्लेस होल्डर भी ठीक है, प्लेस होल्डर मतलब मैंने बताया था जो आपको कोई भी एक फॉर्म भरते हो आप, तो अगर ये फॉर्म है तो इधर क्या बोलता है वो, ऐसा लिख के आता है एंटर योर नेम करके आता है इधर आपका, ठीक है ना, एंटर योर नेम करके इसके अंदर आता है, पर वो क्या करता है, जैसे आप कर्सर रखते हो ना तो उड़ जाता है वो, ठीक है ना, वो निकल जाता है, मतलब क्या है, आपको जो रियल डेटा आपको एंटर करना है वो एंटर करने देता है, मतलब ये सिर्फ आपको शो के लिए बताता है कि आपको इधर एंटर करना है आपका नाम, तो वो प्लेस होल्डर उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था, देखो वही दिया टेम्पररी लेबल, वही जो था मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिया हुआ था, ओके वो सही है, ठीक है। तो ये है, फिर बाद में मैक्स और मिन और पैटर्न एक अच्छे से कर लेना आप लोग इसमें, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स इनपुट के, जैसे कि एक आईडी है जो कि यूज करते हैं हम लोग, और एक क्लास है, आईडी मतलब जो यूनिकली यू कैन से आइडेंटिफाइबल होता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट, अगर आप मल्टीपल सेम सेम एलिमेंट लेते हो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट आपका जो भी है, अगर नेम भी लेते हो और एक नेम वन नेम टू लेते हो, तो उसमें अगर आईडी देते हो आप तो वो क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई होता है वो, कि ये भाई जो इनपुट है वो उसके लिए है, मतलब वो पर्टिकुलर नेम के लिए है या एज के लिए वगैरह। फिर क्लास क्यों लेते हैं, क्लास अगर आपको स्टाइल शीट वगैरह अप्लाई करवाना रहेगा तो क्लास इज इक्वल टू, मतलब इसमें ही आप क्या करते हो, इनपुट टाइप होता है ना, तो इसी के आगे क्लास इज इक्वल टू, जो भी अगर आपने सीएसएस लिया रहेगा ऊपर स्टाइल स्क्रिप्ट इसके अंदर स्टाइल टैग के अंदर, तो वो आप इधर ऐसे कॉल कर दोगे ना तो वो स्टाइल उधर अप्लाई हो जाएगा, मतलब शायद जैसे कि आपको इधर अगर दिखाना है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना थोड़ा ऐसा शेडो टाइप दिखना चाहिए, या थोड़ा इसका जो एंट्री है वो बोल्ड होना चाहिए, ऐसे बोल्डली होना चाहिए, तो वो अपने आप कॉल हो जाएगा, वो क्लास वगैरह अगर दोगे तो क्लास इज इक्वल टू वो स्टाइल का नाम देना है, वो देखेंगे अगर हम लोग इनलाइन सीएसएस वगैरह में, आपको मैं बताऊंगा वो सब टाइप्स ऑफ सीएसएस में आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है।
और तब तक के लिए आप, मैं फिर से बोलूँगा, अगर कुछ डाउट्स हैं तो इसमें डेफिनेटली आप कमेंट करिए, ओके। और ये जो फॉर्म का जो आपने मैंने यहाँ पे जो बताया है, ये जो इसका मैंने बताया था आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह, ये आपने वीडियो देखा है कि नहीं और वो समझा है कि नहीं, आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए, ठीक है। बिकॉज ये जो प्रोग्राम है, इसके जैसा ही मैंने आपको बोला है कि सेम ऐसा ही टाइप का आ सकता है। जैसे कि अभी देखो, ये इधर क्या है, नेम है, ईमेल है, डेट ऑफ इंसेप्शन है। चाहे तो ये डेट ऑफ इंसेप्शन काट के कुछ डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे इधर, तो आपको सिर्फ ये चेंज करना है, बाकी फॉर्मेट तो वही रहने वाला है। फिर ऑफिस टाइम, टाइम लेके आप इनपुट टाइप को टाइम लेके आप इधर ऑफिस टाइम मेंशन करोगे। फिर नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड, उसमें भी आप वैल्यू डालना है। फिर ऑफिस नंबर, टेल नंबर लेके आप करोगे। ऐड योर होम पेज, मतलब यूआरएल वाला आप लेके करोगे, तो ऐड ए होम पेज नहीं दिया रहेगा, उसके बदले शायद से ये दिया रहेगा, स्टैंडर्ड एंटर करो, और उसमें ऐसे दो बटन्स दिए रहेंगे आपको, ठीक है ना, मतलब 11th एंड ये 12th करके, जैसे आपको 11th के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो वो है 11th एंड 12th, ओके। तो दिस इज द, यू कैन से, पूरा मतलब इसी, मतलब पर्टिकुलर फील्ड्स पे आपको ऐसे ही एक फॉर्म बनाने के लिए पूछेगा उन लोग, भले वो HTML का 5 मार्क का प्रोग्राम हो या अंदर से कुछ उसमें से टैग के रिलेटेड अगर कुछ पूछ लिया तो। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये जो क्वेश्चन है ना इधर, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, हाँ ये जो HTML का क्वेश्चन है ये वाला, और इसमें भी कॉमर्स का भी सेक्शन बता दे रहा हूँ मैं, हाँ कॉमर्स के भी इसमें देखो, ये जो HTML है, दोनों इसमें HTML है, ठीक है। तो एक में फॉर्म का तो गारंटीड पूछेगा ही समझो आप, ठीक है ना, तो फॉर्म अच्छे से करना है आप लोग को। तो ये फॉर्म करोगे तो इसको करने के लिए क्या, इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ यहाँ पे, सब सेम रहेगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखो, कभी भी इसमें नर्वस होने का जरूरत नहीं है कुछ। ये HTML लिया ना आपने, ठीक है, सब सेम है, डॉक्टर HTML, HTML हेड वगैरह, टाइटल सब सेम रहता है। फिर बॉडी में क्या है, इतना पार्ट है सिर्फ ये बॉडी का, तो बॉडी में क्या चाहिए उनको, ठीक है, नेम है, ईमेल है, ओके। और कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको कि एक फॉर्म एलिमेंट आप विथ योर इनपुट फील्ड्स, यू कैन विथ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यू कैन डिजाइन ए फॉर्म। तो उसके लिए भी आप कुछ भी ऐसे लेके, जो 4-5 पैरामीटर्स लेके भी कर सकते हो, फील्ड लेके। तो यहाँ पे देखो, फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्म से स्टार्ट होता है। तो देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, आई विल टेक द न्यू, ठीक है, यहाँ पे, हाँ। तो फॉर्म के लिए सबसे पहला HTML वगैरह तो आपका वही रहेगा, ठीक है, हेड वगैरह लोगे, फिर आपका टाइटल सेम, ये भी क्लोज भी हो जाएगा इधर, ठीक है ना, फिर यहाँ पे हेड भी क्लोज हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे बॉडी आ जाएगा आपका। बॉडी के अंदर फिर क्या करोगे आप, यू कैन टेक फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर फिर चालू हो जाएगा आपका सिलसिला, इनपुट 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 टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट या ईमेल, जो भी लेना है वो ब्ला ब्ला, सब ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस थिंग्स विल कम ओवर हियर, ओके। और लेबल दिखाना है तो आप ऐसे डायरेक्ट लेबल दिखा सकते हो, नेम लिख के इनपुट टाइप ले लिया, रोल नंबर लिख के इनपुट टाइप ले लिया, मतलब रोल नंबर लिखा और ये यहाँ पे इनपुट टाइप से वही सेम सेम कोड आएगा कॉमन, ठीक है। मतलब इनपुट टाइप हो गया, टाइप क्या लेना है आपको, ईमेल वाला लेना है तो ईमेल लिख दो, अगर नॉर्मल नेम डालने के लिए है तो नेम डाल दो, पर नेम के लिए क्या चाहिए अपने, जाहिर सी बात मैंने बताया था, रिक्वायर्ड चाहिए। तो उसके बाजू में ऐसे लिखते लिखते देखो यहाँ पे, ये इनपुट लिखा आपने इधर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा सपोज, ये नेम का बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट लिखा। फिर यहाँ पे क्या करो आप, आईडी ले लो, आईडी इज इक्वल टू कुछ लिख दो, या फिर नेम इज इक्वल टू लिखो, नेम भी एक होता है, नेम इज इक्वल टू क्या, यू कैन से फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम लिखो इधर ऐसे, तो इन यूनिकली आइडेंटिफाई होता है कि आपने इसको फर्स्ट नेम दिया है करके, ठीक है। अभी मेन क्या आ जाता है, इधर रिक्वायर्ड करके डालना है आपको, ऐसे ही स्पेस देके सिर्फ रिक्वायर्ड लिख देना है, कुछ डबल कोट्स में नहीं आएगा, बंद कर देना। तो मतलब ये क्या बन गया, मैंडेटरी एक कैन से इनपुट एलिमेंट बन गया, फॉर्म एलिमेंट का एक पार्ट बन गया कंट्रोल का, कि आपको नेम उधर एंटर करना ही है करके। तो ये हो गया नेम लिख के, ऐसे आपको इनपुट टाइप लिख देना, तो ये आपका हो गया नेम का। फिर से ऐसी अगर ईमेल है तो इसके अंदर सिर्फ ये जो टेक्स्ट लिखा हो ना, इसके अंदर ईमेल लिख दो, बाकी नेम वगैरह सेम, उसमें रिक्वायर्ड नहीं आएगा, उसमें फिर पैटर्न देना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये ऐसे रिक्वायर्ड के जगह पैटर्न देना पड़ेगा, वो देखते हैं हम लोग। तो बस इतना ही करना है, और फिर बाद में क्या करना है, सबको क्लोज कर देना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, फॉर्म क्लोज कर दो, फिर बॉडी भी क्लोज कर दो, फिर HTML भी क्लोज कर दो, HTML भी क्लोज कर दो, हो गया अपना काम, बस यही था 5 मार्क का प्रोग्राम, क्या दिक्कत है इसमें।
तो यहाँ पे देखते हैं आके, ओके फॉर्म नेम है, हाँ देखो यहाँ पे टेक्स्ट ऑटो कम्प्लीट भी लिया हुआ है, ओके यू कैन से ऑटो कम्प्लीट भी ले सकते हो आप लोग, मतलब जो ऑटोमेटिकली यू कैन से मतलब कंप्लीट हो जाए, मतलब जो भी नाम आप ले रहे हो, सपोज ए से कुछ ले रहे हो, अगर पहले से ही है तो यू कैन से यू कैन कंप्लीट इट आउट। देखो यहाँ पे भी दिया है, स्पेसिफाइज वेदर फॉर्म इनपुट शुड हैव ऑटो कम्प्लीट ऑन और ऑफ, ठीक है ना, ये है। पर यू कैन से ज्यादा करके रिक्वायर्ड लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड किस में लिया है क्या, नहीं किस में नहीं लिया, आप लोग रिक्वायर्ड ही लो, मैं तो बोलता हूँ स्टूडेंट्स ऑटो कम्प्लीट का जरूरत नहीं है, ठीक है ऑटो कम्प्लीट का जरूरत नहीं है इसमें, ओके तो रिक्वायर्ड लो क्योंकि नेम जो होता है रिक्वायर्ड फील्ड में आता है, ठीक है। और ऐसा नहीं भी लोगे तो भी कुछ नहीं है, पर हाँ अगर उसमें अगर मेंशन किया रहेगा कि भाई ऐसा नेम भी एक ऐसा फील्ड हो जो कि कंपल्सरली अटेम्प्ट होना ही चाहिए, मतलब कंपल्सरली यू हैव टू एंटर द वैल्यूज, ऐसा बोला है तो आपको रिक्वायर्ड लेना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, नहीं तो नहीं लिया तो भी चलेगा। पर नेम के लिए वैलिडेशन के हिसाब से एक एथिक्स होता है कि लेना चाहिए करके, लेना रहता है ऐसा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग ईमेल पे, ठीक है ना, ईमेल पे हम लोग आ जाते हैं, तो ईमेल पे कैसा है देखो, ईमेल पे आपका ईमेल अपने लेना पड़ेगा, तो सेम ईमेल और ये ईमेल, ठीक है। इसके आगे पैटर्न भी आएगा पर इन्होंने ये दिया नहीं है, ठीक है, देखो यहाँ पे जैसा ये पैटर्न आता है ना इसका, ओके वैसा होता है, ईमेल आईडी का भी होता है, तो देखो यहाँ पे लिया है रिक्वायर्ड क्योंकि फोन नंबर भी यू कैन से कंपल्सरी रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो सिंपल ले लो आप, ईमेल ले लो, ठीक है, तो ईमेल के लिए आप डायरेक्टली यू कैन टेक इट लाइक दिस, ओके। और ईमेल अपने आप भी अपना स्टैंडर्ड ले लेता है एक्चुअली, ठीक है, जो कि आपका ये जो है मैं .NET वगैरह का बता रहा था, जैसे ये वाला जो आपने देखा पहले वाला जो पिछले स्लाइड में चला गया वो, तो जो एट द रेट वाला, तो वो यू कैन से उसमें पैटर्न भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, नहीं तो यू कैन से इन HTML यू कैन टेक इट द डिफॉल्ट दैट इज ईमेल, तो डॉट और एट द रेट वाला जैसा रहेगा वो फॉर्मेट रहेगा तो ही वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है। फिर बाद में डेट ऑफ इंसेप्शन, डेट लिख दिया, नेम ले लिया, इनपुट टाइम, टाइम ले लिया, देखो सेम है यूजर, सिर्फ इधर सामने लिख दिया ऑफिस टाइम, तो ये क्या है, ये ऑफिस टाइम इधर लिख जाएगा, फिर ये जो है वो ये वाला इधर से आएगा, ये इतना जो अपन ने लिखा है वो इधर से आएगा, इधर से मतलब, ठीक है ये हो गया। फिर नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड, तो यहाँ पे देखो मिनिमम और मैक्सिमम दिया, मतलब 1 से 100 नंबर तक का वो नंबर रहेगा उसमें, ठीक है, ऐसा आपको एंटर करने के लिए आ जाएगा ऐसे, तो इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि 100 से 1 से 100 देना है, कौन सा देना है आपको। फिर ऑफिस नंबर यहाँ पे देखो टेल दिया, नेम इज गोल्ड फोन, पैटर्न देखो क्या है, 10 नंबर का रहना चाहिए, मतलब रेंजेस क्या है, 10 नंबर का है, मतलब 0 से 9 तक का कुछ भी लो, पर 2, मतलब ये क्या कंट्री कोड जो होता है 91 डैश, फिर क्या है आपका ये 0 to 9, मतलब 0 से 9 तक का, मतलब नंबर 0 से 9 ही है ना, और वो कितना चाहिए, वो 10 नंबर का है, मतलब ये क्या बोल रहा है, मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है। मोबाइल नंबर का क्या होता है पहले आपको पता है, स्टैंडर्ड कंट्री कोड होता है, फिर डैश होता है, और आपका क्या होता है, ये नंबर होता है जो भी है 900 या 12, वो सब 10 नंबर का। यहाँ पे देखो फिर से एड योर होम पेज में देखो यूआरएल था वो लिया बस, फिर इनपुट टाइप लिया है। अभी इसमें क्या करना है, सबमिट बटन लेना था, पर इनको बटन के ऊपर इमेज चाहिए था, तो इन्होंने ये इमेज वाला लिया, देखो वो इमेज दिख रहा है उनको, मतलब वो इमेज वैसा रहेगा स्पेसिफिकली, तो इमेज लिया, टाइप इज इक्वल टू इमेज, सोर्स इज इक्वल टू ड्राइव का नाम दिया, मतलब कहाँ से वो आया है वो फाइल, तो ये देना पड़ता है आपको स्टूडेंट, .jpg होने दो, .png होने दो। फिर ऑल्ट, मतलब ऑल्ट देना पड़ता है ताकि यू कैन से SEO वगैरह पर्पज के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, ये सब आगे की बात है। पर ऑल्ट में क्या होगा, अगर वो बटन लोड नहीं हो रहा है तो वो दिखेगा कि हाँ क्लिक हियर टू सबमिट करके दिखेगा उधर, अगर स्पीड स्लो है या आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू है तो उधर आपको दिखता है वो, ओके नहीं तो वो इमेज दिख जाएगा बस। फिर फॉर्म क्लोज किया, बॉडी HTML, बस यही इसमें फॉरवर्ड है, कुछ इधर उधर एक आध दो फील्ड्स में चेंजेस होके बस वही आपको सब करना है, मतलब जो पूछा है उस हिसाब से आपको करना है बस, और क्या डिफरेंस है, यही थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इसमें, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मेटा टैग, ठीक है, मेटा टैग क्या है बेसिकली, ये आपने को पता है, ये क्या करता है, जो भी आपका वेब पेज का कुछ कॉन्टेंट्स है उसका यू कैन से एसेंस या उसका आस्पेक्ट जो बोलते हैं अपन, वो वेब पेज का इसमें ये बताता है मेटा टैग में, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है अपना फिलअप्स में, ठीक है ना। सो मेटा टैग ये क्या होता है, यू कैन से सर्च इंजिन से एक्सेसिबल रहता है, मतलब सर्च इंजिन जो होता है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन सर्च होते हैं, सर्चर्स होते हैं वेब पेजेस का, वो सब मेटा टैग के थ्रू जो कीवर्ड्स है, डिस्क्रिप्शन है, वो सब कंटेंट्स के अंदर जो आता है वो ही पूरा कीवर्ड्स फेच करता है, मतलब वो मेन कीवर्ड से वो आपका वेबसाइट या वेब पेज जाके
उधर से सर्च आउट होता है, सर्च इंजन से क्रॉल होता है, ठीक है। ये है यू कैन से मेटा टैग, ओके, और ये एक सिंगुलर टैग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मतलब इसके अंदर ही वैल्यूज आपका आएगा, इसमें कुछ आपको एंड वगैरह नहीं करना, ये एम्प्टी टैग है, ठीक है, ये ध्यान में रखो। मेटा टैग क्या है, एम्प्टी टैग है कि कंटेनर टैग है, पूछा तो आपको आंसर क्या करना है, मेटा टैग इज एन एम्प्टी टैग, मतलब इसको दूसरा टैग का जो ऐसे बंद करने वाला टैग का जरूरत नहीं पड़ता। और ये किसके अंदर लिखते हैं हम लोग, हेड के अंदर लिखते हैं, ये जरा ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है ना। फिर एट्रीब्यूट जो है, नेम है, कंटेंट जैसे मैंने बताया था, कैर सेंड, आपको ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट, बस ये वाला थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है। और कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन का जो है मेन, देखो नेम इज इक्वल टू ऑथर का जो है, नेम इज इक्वल डिस्क्रिप्शन और उसका कीवर्ड्स, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी ये सब इतना नहीं है, बस ये मतलब आपको फ्यूचर में काम में आता है। नेम वगैरह अभी के लिए आपको थियोरेटिकल कुछ पूछ गया तो पूछ सकते हैं, बट ये मेन है। मेटा नेम इज इक्वल टू ऑथर जो भी देते हो, तो कंटेंट में जो भी ऑथर का नाम है वो देते हो यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन, मतलब यही सबसे फेच होता है डेटा सर्च इंजन में, ये वाला बता रहा हूँ, ये वाले से ही सर्च होता है। फिर कीवर्ड से, कीवर्ड से सर्च होता है, मतलब HTML5 किसने गूगल में डाला तो आपका साइट फटक से वेब पेज वाला ओपन हो, वो मतलब दिखाएगा सामने गूगल वेब पेज पे, सर्च जो बोलते हैं हम लोग वो वाला उस पर। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मेटा नेम इज इक्वल टू ऑथर्स बाल भारती, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कंटेंट इज इक्वल टू दिस। फिर कीवर्ड्स में क्या आएगा, कंटेंट उसका कंटेंट क्या है, कीवर्ड्स का HTML ये कीवर्ड्स है, डिस्क्रिप्शन का क्या कंटेंट है ये है, नेम का क्या कंटेंट है ये, बस सिंपल। फिर बंद कर दिया, बस खत्म। फिर स्टाइल शीट, स्टाइल शीट क्यों यूज करते हैं, कुछ तो डिजाइन लुक एंड फील देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल शीट यूज करते हैं, कुछ डायनामिक लुक एंड फील देने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा चमकीला वाला, कुछ कलरिंग वाला, कुछ शेडो इफेक्ट, कुछ बोल्ड इफेक्ट, कुछ ओवरलाइन इफेक्ट, कुछ कलरिंग इफेक्ट, तो सब ये जो है वो CSS के अंडर में आता है एक्चुअली, ठीक है। सो ये देखो, हाउ HTML एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, दैट इज CSS दैट डिस्क्राइब्स टू, ठीक है ना। तो पूरा जो भी है यू कैन से कंट्रोल जो होता है, ये यू कैन से इट अलाउज यू टू कंट्रोल द लुक एंड फील, जैसा मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट, लुक एंड फील ऑफ दिस बाय यूजिंग सिंगल सोर्स, वही मैंने जैसा बताया। रूल्स क्या है, इसको एक सेलेक्टर और एक डिक्लेरेशन ब्लॉक लगता है, ये रूल सेट ध्यान में रखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये सेलेक्टर है, क्या लिया अपन ने, H1 है, और ये डिक्लेरेशन क्या डिक्लेयर कर रहे हो कि कलर जो है वो येल्लो रहना चाहिए, और जब भी आप एक ऐसा वैल्यू देते हो उसके बाद एक सेमीकोलन लगता ही है, ठीक है ना। तो ये आपका किसमें आ जाता है, इनलाइन में, आप ये अपना इंटरनल स्टाइल शीट में ये आ जाता है, ये इंटरनल स्टाइल शीट का पार्ट है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही सेलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक, प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू, ठीक है ना, ये डिक्लेरेशन ब्लॉक है, सेलेक्टर है, और ये प्रॉपर्टी आपने जो लिया कलर प्रॉपर्टी उसका वैल्यू। फिर सेलेक्टर में जैसे ये दिया है वही सब है, ठीक है, मतलब वही है, अब मैं इसको डीप में नहीं जाऊंगा, और सेमी कॉलन से सेपरेट करते हैं, वही सब है, ठीक है। फॉन्ट साइज वगैरह जैसे मैंने बताया था, फॉन्ट साइज कलर वगैरह आप ऐसे ले सकते हो। प्रॉपर्टी ये भी क्या है, यू कैन से एक टाइप ऑफ HTML एलिमेंट का ही एट्रीब्यूट है, यू कैन से वैल्यूज भी क्या है, CSS वैल्यूज प्रॉपर्टीज हम लोग देते हैं। देखो प्रॉपर्टी वन वैल्यू वन, प्रॉपर्टी ऐसा टिल देन, मतलब गो यू यू कैन गो ऑन बाय मेंशनिंग ऑल दीज एनी, मतलब कितना भी आप नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज यू कैन गिव आउट, ठीक है। अभी यहाँ पे हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं पहले इंपॉर्टेंस में ही बताया हुआ, अगर इंपॉर्टेंस का वीडियो नहीं देखा है, हर चैप्टर का अपलोड कर दिया, आप लोग जाके आई बटन में जाके चेक कर सकते हो, या इसके मैं इसमें प्ले लिस्ट वगैरह डाल दूंगा, दे दूंगा, ठीक है, एंड स्क्रीन में देख सकते हो, आई बटन में देख सकते हो। तो इसमें कौन सा है, सबसे पहला है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब वही फाइल के अंदर ही रहेगा, तो देखो यहाँ पे इनलाइन मतलब कैसा है, देखो अभी देखो, सबसे पहला इंटरनल जो है, मैं यहाँ पे न्यू कर लेता हूँ, हाँ, तो इंटरनल देखो कैसा है, इंटरनल मतलब क्या आएगा पता है आपको, ये HTML वगैरह रहता है ना इधर HTML, फिर हेड के अंदर आप क्या लिखते हो, स्टाइल, हेड के हेड टैग के अंदर स्टाइल लिखते हो, और उसमें H1 लेते हो, और उसमें ऐसे करके आप बताते हो कि कलर रेड होना चाहिए करके, ये क्लोज कर दिया, स्टाइल भी क्लोज कर दिया आपने, ठीक है। फिर बाद में हेड भी क्लोज कर दिया, फिर आपने इधर से बॉडी बॉडी लिख के, फिर जो भी आपका लिखना है, जैसे कि H1 है तो H1 जो भी लिखना है, सैम्पल डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, ऐसा लिखेंगे सपोज, तो ये H1 फिर क्या हो जाएगा, रेड कलर में आएगा, ये उधर लुक एंड फील देगा, ये इधर से कॉल हो जाएगा, इधर के लिए आएगा वो, ठीक है ना, ये स्टाइल का पार्ट है,
मतलब ये इनलाइन स्टाइल बोल सकते हैं ना, सॉरी इंटरनल स्टाइल शीट बोल सकते हो आप, इंटरनल अंदर ही आपने इसको एम्बेड किया हुआ। एक्सटर्नल मतलब आप क्या करोगे, ये जो पूरा इतना लिखा है ना सेम ऐसे ही लिखोगे, और इसको क्या करोगे एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट मतलब डॉट सी एस एस फाइल में सेव करोगे, मतलब डेमो डॉट सी एस। तो डेमो डॉट सी एस एस ऐसे एक फाइल से सेव करोगे, और फिर बाद में इसको ये वाला जो कोड इधर लिखते हो ना, इधर सिर्फ टैग्स के सहारे, लिंक टैग के सहारे आप क्या करोगे इसको इधर एम्बेडिंग कर दोगे स्टाइल शीट का, ये वाला स्टाइल शीट का फाइल एम्बेड करोगे। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो इनलाइन स्टाइल शीट और ये सब देखते हैं हम लोग। इट यूजर्स वॉट, वही स्टार्ट टैग से ही आता है। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो इसके अंदर ही लिख दिया हमने, ये इनलाइन है, मतलब इनलाइन ऑफ दिस पैराग्राफ टैग ओनली इनलाइन वी हैव रिटन। तो पी स्टाइल इज ओल्ड क्या, कलर ब्लू। अगर इधर एक और चाहिए था तो इधर सेमी कॉलन डाल के एक और लिखते थे, जैसे कि और क्या है कलर है फॉन्ट साइज, ठीक है ना, फॉन्ट साइज करके ऐसे लिखते और उसका वैल्यू लिखते। तो सेमी कॉलन से सेपरेट करना है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर सी एस एस अप्लाई करना है आपको सिंगल डॉक्यूमेंट और पेज में, सिंगल पेज में, आप तो क्या करोगे आप इंटरनल लोगे। अगर ऐसा ही आपको ऐसा है कि बहुत सारा वेब पेजेस है और उसमें जो भी H1 जो टैग है ना पूरा वो क्या होना चाहिए ऐसे रेड कलर में आना चाहिए, तो उसके लिए आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट लोगे। नहीं तो इंटरनल क्या है कि अगर यही डॉक्यूमेंट में अगर करना है तो जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो इसके अंदर एक्सेस होगा। बाकी अगर सब में, अगर आपको ऐसा पूरा हर एक वेब पेज में आपका जो भी वेब पेजेस है उसमें अगर आपको सबका H1 अगर कलर करना है रेड कलर में, तो आप एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट लेके हर एक इसमें फाइल में एक सिंगल लाइन का इधर कोड लिख के ये वाला फाइल को कॉल करके अप्लाई करवा सकते हो। देखते हैं हम लोग कैसा। तो देखो यहाँ पे देखो जैसे मैं बता रहा था, स्टाइल एडवर्ड लिख दिया स्टाइल कलर रेड। तो देखो यहाँ पे वही क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट हो गया, H1 आ गया, P आ गया, तो H1 जो है देखो कैसे रेड में दिखा रहा है, ठीक है ना। और ये इधर का इसके अंदर लिखा आपने, तो ये हो गया इनलाइन, ये हो गया इंटरनल। अभी एक्सटर्नल का देखते हैं हम लोग। फिलहाल तो एक मिनट एक्सटर्नल का बता देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में क्या करोगे, ये लिंक जैसा मैंने बताया था, लिंक टैग में आप क्या करोगे सिर्फ ये वाला एक लाइन का कोड लिख दोगे। क्या करोगे, रेल रिलेशन इज वॉट स्टाइल शीट का है, टाइप जो है टेक्स्ट स्लैश सी एस एस है, और HREF क्या करोगे रेफरेंस दे रहे हो आप स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है ना। तो स्टाइल डॉट सी एस एस देखो इधर है अपना, तो देखो ये अगर है आपका, इधर गया वो, एक मिनट, ओके वो फाइल नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। तो बस वही मैं बता रहा हूँ आपको, वही समझो, ठीक है ना। मतलब ये सेम ऐसे ही रखोगे, सिर्फ ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस, मतलब जैसे मैंने बताया आप लोग को कि ये जो जो भी इतना लिखा है ना आपने इधर, ये टोटल जो भी लिखा है इतना, ये जो भी आपने लिखा है ना यहाँ पे, हाँ ये जो भी इतना लिखा है ना आपने यहाँ पे, ये टोटल आप इसमें लिंक कर दो, मतलब ये पूरा ये जो कोड है वो लिखोगे और इसको सेव कर दोगे इसमें, जैसे स्टाइल डॉट सी एस एस है, तो बस वो फिर कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक मिनट रुको, पहला मैं बता दूं आपको ये वाला प्रॉपर्टी क्या क्या है, कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट वेट, ओके बोल्ड कितना दिखाना है, फॉन्ट स्टाइल क्या है उसका, इटैलिक रखना है कि नॉर्मल रखना है कि बोल्ड, टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब उसमें स्ट्राइक थ्रू आना है, ऐसा स्ट्राइक थ्रू देना है क्या, अंडरलाइन करना है क्या, मतलब वो सब है, मतलब ओवर स्ट्राइक वगैरह। फिर टेक्स्ट अलाइन कैसे अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर करना है कि यू कैन से राइट अलाइन करना है, फॉन्ट फैमिली, कुछ फॉन्ट का अगर फैमिली मालूम है जैसे मोनोटाइप कोरोसिवा हो गया, टाइम्स न्यू रोमन है, वैसी टाइप का फॉन्ट उसमें अप्लाई होना चाहिए, तो फॉन्ट फैमिली लोगे आप। तो वही मैंने बोला डिजाइनिंग लुक एंड फील होता है, साइज मतलब साइज कितना है, स्पेसिंग मतलब ए बी तो ये दोनों के बीच का स्पेसिंग कितना चाहिए, तो ये आप डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे, तो वो होता है वो स्पेसिंग। फिर पैडिंग, बॉर्डर, बैकग्राउंड इमेज, मार्जिन लेफ्ट वगैरह वगैरह सब आप इसमें देते हो। तो ये जरा एट्रीब्यूट्स याद रखो, इसमें क्या है पता आपको, इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड इमेज ले लेना एक, फिर फॉन्ट साइज इंपॉर्टेंट है, फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉन्ट वेट, कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज वॉज जनरली यूज व्हेन यू वांट टू मेक चेंजेस ऑन मल्टीपल पेजेस, वो क्या था इंटरनल सिंगल पेजेस में, और ये जो है वो मल्टीपल पेजेस में, ठीक है ना। तो और इसको कैसे लिंक करते हैं, लिंक टैग से इनसाइड द हेड सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इतना पूरा इंपॉर्टेंट है ये मल्टीपल पेजेस का पार्ट, और ये कोई भी एक इसमें से पूछ सकता है आपको ट्रू और फॉल्स, MCQs या फिलअप्स में, ठीक है ना। तो ये लिया अपन ने, फिर बाद में देखो हाँ और किससे सेव करते हैं, जैसे मैंने बताया था डॉट सी एस एस से सेव करते हैं, ठीक है वही इंपॉर्टेंट है इसमें बस। फिर आई डी सेलेक्टर, सी एस एस आई डी सेलेक्टर, ये कैसा अपन सेलेक्ट करते हैं आई डी से, दैट इज कैरेक्टर, हैश कैरेक्टर से, ठीक है ना।
और जो भी है यू कैन से इट इज यूनिक एक्चुअली। जो भी यूनिक एलिमेंट आप यूज करते हो तो मतलब देखो यहाँ पे जैसे स्टाइल है, स्टाइल के अंदर हैश पैरा वन, तो आप सिर्फ आई डी इज इक्वल टू पी टैग के अंदर आई डी इज इक्वल टू ये कॉल कर दोगे तो ये वाला स्टाइल कॉल हो जाएगा इधर, ये है हैश। ठीक है, अगर आपने इधर क्लास इज इक्वल टू लिखा होगा कुछ तो वो डॉट से होता है। देखो यहाँ पे अभी H1 है, H1 आपने क्लास इज इक्वल टू इंट्रो लिखा तो आप डॉट लिखते हैं, आप स्टाइल के अंदर डॉट लिख के फिर आप उसमें क्या करोगे यू कैन से ऐसा दोगे आप स्टाइल शीट, जो भी स्टाइल है अप्लाई करो तो वो अपने आप कॉल हो जाएगा। तो डॉट से होता है, हैश से होता है, ठीक है ना, पीरियड कैरेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, डॉट मतलब पीरियड कैरेक्टर होता है। अगर आपको ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में अगर करना है तो यू कैन अगर एक ही HTML पेज के अंदर तो आप कर सकते हो उसमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, इफ़ यू वांट टू स्विच इट अप देन यू कैन डू। और इसमें क्या है HTML एलिमेंट कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अगर आपको एलिमेंट चूज करना है तो, और इसमें पूरा ग्रुप ऑफ अगर करना है मतलब H1 पूरा H1 या P टैग सबको अगर करना है तो आप फटक से वही लेके क्लास देके ये कर दोगे आप। जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो के क्लास इज इक्वल टू ये करके करते हो आप, इसमें अपना फॉर्म कंट्रोल में मैंने बताया था जैसा, ठीक है ना, तो ये क्लास इज इक्वल टू आप करते हो। फिर ये था, फिर देखो वही है फिर से सब वैसे ही करो। देखो यहाँ पे पी दिया इंट्रो, मतलब पी में आप क्या कर रहे हो क्लास इज इक्वल इंट्रो डाल दिया, फिर वही H1 में भी डाल दिया आपने, तो सब में यू कैन से इट इज अप्लाइड। यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है, इसके ऊपर मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डाला था क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेलेक्टर इज वॉट यूज एज अ यू कैन से वाइल्ड कैट कैरेक्टर, मतलब मल्टीपल एलिमेंट जो होता है फॉर दैट यू कैन से यू कैन यूज इट आउट। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे स्टार लिया आपने और कलर ग्रीन, मतलब आप क्या कर रहे हो जो भी है यू कैन मतलब पूरा एलिमेंट जो भी है उसमें आप मतलब सब एलिमेंट्स को एक साथ में सेलेक्ट कर सकते हो वेब पेज का और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वही है, देन वही कोड है। ठीक है, ये सब इतना आप इसके हिसाब से समझो। देखो यहाँ पे H1 H2 ये सब दिया हुआ है। ग्रुप सेलेक्टर, ओके, ग्रुप सेलेक्टर मतलब क्या, यू कैन से सब एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके आप सेम स्टाइल अगर देना है यू कैन डू इट, और यू कैन, और इससे क्या होता है मिनिमाइज होता है कोड का, मिनिमाइजेशन होता है। तो देखो यहाँ पे H1 H2 ये सब है दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दे दिया मैंने ऐसे। आप ऐसे लिखते हो तो अलग अलग से लिखते हो, फिर आप ग्रुपिंग करना है तो कॉमा दे के भी आप ऐसे कर सकते हो स्टाइल्स वगैरह। देखो यहाँ पे जैसे दिया है H1 H2 P अलाइन ये सब, मतलब ये तीनों को ये चीज़ लागू हो जाएगी, मतलब वो क्लास इज इक्वल टू इंट्रो इंट्रो बार बार लिखने बार बार में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर पोजिशनिंग इन CSS, पोजिशनिंग मतलब पर्टिकुलर अगर ये पेज है, न्यू कर देता हूँ मैं, ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो लंबा हो रहा है बट बी पेशेंट, सीखो पूरा अच्छे से। अभी ये क्या है आपका एक बड़ा फॉर्म है सपोज, तो आपको अगर इधर ही करवाना है एक एलिमेंट कंट्रोल अगर चाहिए, या फिर इधर ही चाहिए, या फिर इधर ही चाहिए, मतलब क्या आपको स्पेसिफिकली आप पोजिशनिंग कर रहे हो उसको, पोजिशनिंग करना है अगर सपोज कोई भी एक, मतलब ये फॉर्म अगर इधर ही चाहिए या फिर ये टेक्स्ट बॉक्स इधर ही चाहिए या इधर ही चाहिए, तो उसके लिए क्या पोजीशनिंग रखा हुआ है उसके लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है पोजीशनिंग इन CSS इज व्हाट इट हेल्प्स टू पोजीशन द HTML एलिमेंट्स यू कैन से। ठीक है ना, तो पोजीशन प्रॉपर्टी जो होता है वो क्यों यूज होता है, टू सेट द पोजीशन फॉर एन एलिमेंट दैट इज टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। चार प्रॉपर्टीज है ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको। ठीक है, और चार टाइप्स का पोजिशनिंग है, स्टेटिक, फिक्स्ड, ये तो गारंटीड पूछ सकता है 2 मार्क्स वाले में, फिर रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ये चारों में से कोई भी MCQs में पूछ सकता है आपको, फिलअप्स में भी पूछ सकता है कि भाई डैश इज यूज फॉर व्हाट। ठीक है, तो वैसा, तो देखो यहाँ पे सेलेक्टर लिया आपने, पोजिशन और वैल्यू दिया, मतलब पोजिशन यू कैन से आप क्या दे रहे हो, स्टेटिक ले रहे हो, फिक्स्ड ले रहे हो, कि रिलेटिव ले रहे हो, कि एब्सोल्यूट ले रहे हो, फिर उसका वैल्यू लेफ्ट ले रहे हो, राइट ले रहे हो, मतलब कैसे ले रहे हो आप उसको। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पे एग्जांपल पहले दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन क्या दिया है, रिलेटिव दिया है, मतलब पोजीशन ये वाला ले रहे हैं हम। ठीक है, और टॉप दिया हुआ है हमने, टॉप में क्या है -10 पिक्सल, टॉप से -10 पिक्सल, राइट से -10 पिक्सल, ऐसा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आया इधर आउटपुट, टॉप से -10, ठीक है, रिलेटिव है, ओके, एंड दिस यू कैन से एब्सोल्यूट। ठीक है, H2 का, और H2 में क्या है आपका, मतलब टॉप एंड राइट, मतलब X, Y जैसा समझ लो आप। फिर यहाँ पे H2 पोजीशन क्या है, एब्सोल्यूट है, और ये लेफ्ट क्या है 100, टॉप ऐसा, लेफ्ट मतलब लेफ्ट से इतना 100 एंड टॉप से
इतना, ठीक है ना, तो वो इधर प्लेस हो गया। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या है ये पहले, तो उसके बाद समझेगा। तो वैल्यूज जो है पोजिशंस का फिक्स्ड होता है, एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव, एंड उसके वैल्यूज जो होते हैं टॉप बॉटम राइट लेफ्ट होते हैं पिक्सल्स के हिसाब से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टैटिक पोजिशनिंग क्यों यूज होता है, ये बाय डिफॉल्ट पोजिशन है। ठीक है, तो ये अफेक्ट नहीं होता टॉप बॉटम लेफ्ट या राइट जो भी लेते हो आप लोग प्रॉपर्टीज। फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड में बॉस आपको लेना पड़ता है, देना पड़ता है आपको। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी ये क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट जो फील्ड है उसको फिक्स्ड करना है अगर ब्राउजर में, जैसा रिसाइज वगैरह करते हो, रेस्पॉन्सिव बोलते हैं ना अपन आजकल मोबिलिटी के हिसाब से, तो वो प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिक्स पोजिशन यू कैन से इट इज रिलेटिव टू योर ब्राउजर विंडो जो है, ब्राउजर के विंडो, जैसे मैंने बताया आपको ब्राउजर का विंडो कितना है, आपका मोबाइल ब्राउजर है क्या, उस हिसाब से स्क्रीन कैसा है। सो तो फिक्स्ड एलिमेंट मतलब विल नॉट मूव इवन व्हेन द पेज इज स्क्रॉल्ड, मतलब मोबिलिटी के हिसाब से बंद कम हो गया या फिर आपने नीचे ऊपर किया, मतलब वो एलिमेंट वहां पे पक्का चिपका हुआ ही रहेगा ऐसा। ओके, मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब आप कुछ भी करो इसको रिसाइज कर दो तो नीचे चला जाएगा भले आधे पे, या फिर इसको अगर आप नीचे कर दोगे स्क्रॉल डाउन तो भी ये इधर ही रहेगा ऐसा। जैसा आपने इसमें देखा होगा मेनू बार जो होते हैं वेबसाइट के, कैसा होता है जैसे आप नीचे नीचे जाते हो फिर भी मेनू बार ऊपर ही चिपका रहता है, ऐसा रहता है ना, तो उसके लिए CSS वगैरह लगता है बहुत सारा, तो वो है। फिर रिलेटिव में क्या है, पोजिशन प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी एलिमेंट अगर आपने पोजिशन किया है नॉर्मल पोजिशन के हिसाब से उसको रिलेटिवली कैसा उसको प्लेस करना है आपने को। ओके, फिर एब्सोल्यूट पोजिशन ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको देता है, जैसे कि देखो यहाँ पे इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द फ्लो ऑफ द पेज। ठीक है, तो इसका जो यू कैन से स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट्स अपन देते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर के, तो देखो यहाँ पे पी डॉट फिक्स्ड पोजिशन फिक्स्ड दिया है टॉप से 50 राइट से 5। ठीक है, देखते कलर ब्लू है क्या, हाँ देखो यहाँ पे एक मिनट, हाँ फिर बाद में ये सब पीज है यहाँ पे पी टैग है, तो देखो एकदम टॉप से 50, तो देखो ये है टॉप से 50 और राइट से 5, तो इसके लिए ये राइट से इतना 5 पिक्सल लेके राइट से इधर डिस्प्ले हुआ ये, ठीक है ना ऐसा, और कलर जो है वो ब्लू है, बाकी जो भी है वो लाइन से आपको पी टैग दिखेगा और पी जो है ये वाला पी जो है वो आपको फिक्स्ड लास्ट में देखो यहाँ पे जो है बीच में। ठीक है, नहीं तो ये इधर ही आता था पर इसको दिया है फिक्स पोजिशन तो उधर दिखा रहा है, समझ गया ना, तो ऐसा है। फिर बाद में इसका भी मैंने अभी डिस्कस किया था, वही ऐसा ही है। ठीक है, बाद में हाँ यही है स्टूडेंट्स। फिर बाद में देखो फ्लोट प्रॉपर्टी आ गया, फ्लोट प्रॉपर्टी क्या है, CSS का एक प्रॉपर्टी है जो कि CSS फाइल यू कैन से डायरेक्टली जो स्टाइल एलिमेंट यूज करते हैं अपन, मतलब फ्लोट मतलब वही लेफ्ट में फ्लोट कराना है क्या उसको कि राइट में रखना है कि उसको कुछ देना ही नहीं है, तो उस हिसाब से फ्लोट लेते हैं हम लोग, फ्लोट लेट कीप्स द एलिमेंट फ्लोट ऑन लेफ्ट साइड, और राइट लिया तो राइट साइड में फ्लोट करके रखता है उसको, और नन रहेगा तो कुछ नहीं, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो। तो देखो यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट स्टाइल में डॉट फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट क्या है लेफ्ट, ये नाम है उसका लिया, तो ये कॉल करेंगे शायद क्लास इज इक्वल, हाँ देखो कॉल किया था, बाकी फ्लोट क्या है लेफ्ट, मतलब ये जो बालभारती है ना वो लेफ्ट में लटका हुआ दिखेगा, मतलब लटका हुआ मतलब लेफ्ट में दिखेगा आपको। फिर फॉन्ट साइज इसका 20 रहेगा, बैकग्राउंड ऐसा ऐसा कलर है। फिर राइट में देखो राइट में क्या रहेगा, फॉन्ट साइज ऐसा ऐसा रहेगा और ये सिर्फ राइट में दिखेगा, देखो देखते वैसे ही है क्या, हाँ हाँ देखा, ये देखो राइट एंड दिस इज वन सेकेंड बैकग्राउंड कलर गोल्ड है, हाँ दोनों का, और बाकी बीच में जो पीट आ गया वो देखो बीच में दिख रहा है, बाकी देखो फ्लोट लेफ्ट, ये देखो ये बाल भारती, ठीक है एच टू क्लास है, फिर एच टू क्लोज ऑफ, फिर पी टैग है, ठीक है ना ये पी टैग, तो ये लेफ्ट में फ्लोट हो रहा है और ये यहाँ पे राइट में फ्लोट हो रहा है, देखो बाल भारती, तो ये जो लेफ्ट का कोड था पहले हो गया और ये जो राइट है वो इधर का, और जो बीच का जो है टेक्स्ट अरेंज हिमसेल्फ द फ्लो, तो वो इधर का आपको पी टैग में डाला हुआ है, वो देखो ये पी टैग में डाला हुआ है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कैसे आपको कॉम्पोनेंट्स डिस्प्ले करवाना है जो भी आप लेते हो, तो इसमें आप CSS वगैरह डिफाइन करते हो कि जो भी कॉम्पोनेंट्स जैसे div है, हाइपरलिंक है, हेडिंग है, ये कैसे प्लेस्ड आउट होंगे वेब पेजेस में। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो डिस्प्ले क्या है, वैल्यू दोगे कैसा देना है आपको, इनलाइन देना है क्या, ब्लॉक देना है क्या, ब्लॉक इनलाइन देना है क्या, नन। तो इनलाइन में मतलब वही जैसे आप डालते जा रहे हो, यू कैन से डिस्प्ले द एलिमेंट इन योर इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक में यू कैन से ब्लॉक में दिखाएगा वो, मतलब हर एक नया नया लाइन पे पूरा विड्थ लेके, मतलब ब्राउजर विंडो का पूरा विड्थ लेके वो आपको उधर
टेक आउट करेगा, आप जैसा लोगे बाजू बाजू में नहीं आएगा वो, मतलब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ऐसा। फिर ब्लॉक इन लाइन मतलब वो भी सिमिलर है, इन लाइन जैसा ही सेम, और उसके लिए विड्थ और हाइट आपको कैन से सेट करना पड़ता है, ये डिफरेंस है ठीक है। और नन मतलब रिमूव ही करो बॉस ऐसा, मतलब ब्लॉक स्पेस। फिर यहाँ पे देखो डिस्प्ले इन लाइन, बस लिया पी डिस्प्ले हो जाए, देखो कैसे लाइन में डिस्प्ले हो गया पूरा ठीक है। ब्लॉक है, बाकी कलर बाकी सब वही है, तो देखो ब्लॉक में मतलब ये पूरा दिया, देखो स्पेस पूरा लिया उसने, ब्लॉक पूरा लिया जैसे मैंने बताया था। और ये अगर दूसरा कुछ लिखोगे तो न्यू लाइन में ही लेगा दूसरे इसमें, तो वही दिया। फिर बाद में देखो ये प्रोग्राम दिया, आप लोग देख लेना ये ठीक है। कलर स्काई ब्लू, बैकग्राउंड नैव का है, बैकग्राउंड हाइट वेट ये सब दिया हुआ है वो सब ठीक है। सेक्शन है तो ये एक यू कैन से बड़ा प्रोग्राम है, मतलब वही है, देख लेना आप ये तो। देखो ये इस हिसाब से दिया हुआ है ठीक है, सेम मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ये वही है कोड, वही है सेम, बस उसके हिसाब से डाला हुआ है सब ओके। नाउ यू कैन से ऑर्डर्ड लिस्ट ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब क्या है आपका, तो कैन से न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकली जो लिस्ट होता है, मतलब एक देखो ये ऑर्डर लिस्ट में अगर आप देते हो ऐसे ओएल और लिखते जाते हो एल आई के अंदर कुछ भी वन, मतलब ऐसे कुछ भी लिखते हो आप, एल आई क्लोज करते हो और ये लिखते हो, तो मतलब और इसको क्लोज करो, मतलब ये क्या है ऑर्डर लिस्ट, मतलब वन ऐसा वन दिखेगा ठीक है, मतलब ऑर्डरिंग मतलब अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल दिखेगा, या ए वन दिखेगा या फिर वन वन दिखेगा, या वन ऑरेंज मैंगो ऐसा ठीक है, मतलब फ्रूट्स अगर ले रहे हो तो उस हिसाब से ठीक है ना। तो टाइप आप ले रहे हो वन दे रहे हो अगर उधर, तो वन टू थ्री जैसा दिखेगा, ए बी सी डी ले रहे हो तो ए ले रहे हो तो ए बी सी डी से स्टार्ट होगा ठीक है। तो ये ध्यान में रखो स्टार्ट किधर से करना है, टू से करना है डायरेक्टली, तो स्टार्ट इज इक्वल टू टू भी दे सकते हो आप, वही है देखो यहाँ पे ओ एल, देखो एल आई एल आई एल आई क्लोज किया, ओ एल क्लोज किया, तो यहाँ पे स्टार्ट इज इक्वल टू 50, मतलब 50 से स्टार्ट होगा, देखो ये 50 से स्टार्ट हुआ ठीक है। ओ एल स्टार्ट इज इक्वल टू दिस, तो 50 से स्टार्ट हुआ, बाकी वही एल आई के हिसाब से शब्द हो गया। अगर टाइप इक्वल टू ए बी सी देते हैं यहाँ पे तो ए बी सी स्टार्ट होता ऐसा ठीक है, वही है सेम, ये भी एग्जाम्पल सेम है ठीक है। थ्री से दे रहे हो तो देखो यहाँ पे थ्री टू वन आ गया रिवर्स्ड, देखो ये ओ एल रिवर्स ले रहे हो आप ठीक है ना, रिवर्स ले रहे हो तो जितना भी एलिमेंट आप लोगे उसका रिवर्स आपको दिखा देगा यहाँ पे, तो रिवर्स आ जाएगा ऐसे ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट मतलब ऐसा बुलेटिंग जैसा दिखेगा, ऐसा या ऐसा गोल या फिर ऐसा स्क्वायर ठीक है ना, ऐसा स्क्वायर भरा हुआ, तो ये सब आपको बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है, ये ब्लैक कलर का जो गोल 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 घुमा हुआ रहता है वो वाला बाय डिफॉल्ट होता है। तो वही फिर से वही अनऑर्डर लिस्ट यू एल लिया और एल आई लिया, खत्म किया, तो डिस्प्ले हो गया आउटपुट ऐसा। तो देखो यहाँ पे टाइप इज इक्वल डिस्क सर्कल स्क्वायर ले सकते हो आप, तो उस हिसाब से लिस्ट स्टाइल टाइप लेना पड़ता है, एट्रीब्यूट स्टाइल के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क, तो आपको वैसा दिखाता है। फिर ये जो बाय डिफॉल्ट है, फिर ये लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क टाइप सर्कल, सर्कल जैसा, स्क्वायर स्क्वायर जैसा, तो वही सब इसमें दिया हुआ है ठीक है। फिर डेफिनेशन लिस्ट फॉर डेफिनेशन टाइप का कुछ रहेगा तो आप लेते हो इसमें, तो डीएल लेके सिंपल आप यूज करते हो ठीक है ना, तो डीएल फिर डीडी ठीक है। डेफिनेशन यू कैन से आपका जो भी है डेफिनेशन वगैरह क्रिएट करने के लिए डीटी डीडी ये सब हम लोग यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए ठीक है, डेटा डेफिनेशन एंड ऑल, तो वही सब है बस नॉर्मल है ये। फिर नेस्टेड लिस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट ठीक है ना, उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, भले वो ऑर्डर्ड हो या अनऑर्डर्ड हो ठीक है। तो यहाँ पे देखो एच ये सब लिया वही सेम बॉडी बॉडी एच थ्री, फिर यहाँ पे ओ एल, ओ एल के अंदर एल आई एल आई दो एल आई लिए, फिर उसके अंदर फिर से एक डाल दिया यू एल डाल दिया, और उसका क्या दे दिया सर्कल दे दिया, फिर से अंदर एल आई एल आई लिया, फिर यू एल ले लिया, फिर एल आई ले लिया, फिर ओ एल लेके खत्म किया ओके। मतलब ओ एल से स्टार्ट होगा, बीच में जो यू एल है वो गोल गोल दिख के दिखेगा आपको, देखते हैं हाँ ये देखो ये गोल गोल, तो वन से स्टार्ट हुआ, देखो एल आई ओ एल लिया था इसलिए वन से बाय डिफॉल्ट है वन से, तो स्टार्ट हो गया, फिर ये टू भी दिया, फिर उसके अंदर आपने डाल दिया इसके लिए यू एल, ये और थोड़ा अंदर सरक गया, ये और अंदर थोड़ा सरक गया आपका, नहीं तो इधर से ही गोल आना था आता था, पर आपका इधर आप अंदर लिए हो इसके लिए इधर लिया, अगर ये क्लोज कर देते यू एल टैग इधर ओ एल टैग तो इधर से आता, पर ये अंदर ही लिया इसके लिए ये एक स्पेस अंदर जाता है ठीक है। फिर इसके अंदर फिर से वही लिस्ट टाइप टाइप आपने सर्कल किया, फिर डी बी एम एस डी बी एम एस ये वाला डी बी एम एस ऐसा करके तीन आ गया, फिर एक तीसरा आपने यहाँ पे इसको क्लोज करके आपने सिर्फ एल आई लिख के लिया तो तीसरा इधर
आ गया, फिर ये ओएल से क्लोज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब है। फिर मल्टी लेवल लिस्ट वही है, ओ यूएल, यूएल है उसके अंदर ओएल लिया, ये वाला अच्छे से एक देखना, एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, देखोगे तो ही समझेगा आपको। यूएल है, यूएल मतलब कुछ अनऑर्डर्ड है, मतलब गोल गोल दिखेगा, ब्लैक कलर वाला पूरा भरा हुआ। फिर बाद में ओएल लिया, उसके अंदर शायद नंबरिंग से दिखेगा ये तीन चीज, फिर क्लोज हो जाएगा। फिर से आप एल आई में दिखेगा, फिर यूएल, फिर यूएल, फिर से एल आई, यूएल, यूएल। तो देखो बहुत सारा यूएल है इसके अंदर। तो इसके लिए इसका जो, इसके रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचटीएमएल का जो क्वेश्चन बैंक था उसमें मैंने दिया हुआ था, पर वो सीएस का क्वेश्चन बैंक के अंदर था, वो भी जाके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये था यूएल के अंदर था, फिर इसके अंदर देखो ये दूसरे यूएल के अंदर ओएल आया था। इसके लिए देखो यूएल था, दो लिया था तो दोनों ऐसा आया, फिर ओएल आ गया, ओएल में ये नंबरिंग से आ गया, फिर ये क्लोज हो गया, फिर ये शायद देखो जावास्क्रिप्ट है तो देखो ये ऐसे आ गया फिर से। फिर इसके अंदर हमने ये वाला लिया, देखो स्क्वायर, तो ये स्क्वायर वाला आ गया आपको, और क्लोज करना नहीं भूलना। तो ये किधर क्लोज हुआ है, इधर क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ ओएल क्लोज इधर किया अपन ने, पर ये वाला यूएल कंटिन्यू है, तो ये इसके अंदर और गया तो ये एल आई होगा, तो ये ऐसे आएगा जावास्क्रिप्ट, फिर जावास्क्रिप्ट हो गया तो उसके अंदर यूएल ले लिया है, तो वो और अंदर चला जाएगा, मतलब ये देखो ये इधर अंदर चला गया ऐसे। ठीक है ना, तो इस हिसाब से फिर यहाँ पे ये क्लोज कर दिया, केस स्टेटमेंट हो गया, यूएल क्लोज कर दिया, तो जो तीसरा बचा था लूप स्टेटमेंट वो देखो इसमें वाले में आ गया। ठीक है ना, ये स्क्वायर था, देखो यहाँ पे ध्यान से ये सर्कल था, तो उसके अंदर का ये यूएल है, फिर ये यूएल आ गया जिसके कि आपको स्क्वायर दिखेगा, फिर ये वाला जो यू एल आई है वो ये यूएल का पार्ट है, फिर ये जो यूएल इधर जो क्लोज किया वो एकदम ये वाला जो यूएल लिया था उसका है। ठीक है, तो नेस्टेड यूएल जरा अच्छे से करना। फिर इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एसओपी में भी है इसका लिस्टिंग एक्चुअली। ठीक है ना, तो देखते हैं अपन एचटीएमएल ऑडियो और वीडियो का सेम ही, ऑलमोस्ट सेम ही आपको, ठीक है, सिर्फ आप ऑडियो और वीडियो अपने को सिर्फ लिखना है उधर। तो ये कॉमन ऑडियो फॉर्मेट्स क्या लेता है, ACC, एडवांस ऑडियो कोडिंग, ओके, यूट्यूब वगैरह के लिए जो रहता है वैसे नॉर्मली, देन OGG, MP3 वगैरह, दैट इज मोशन पिक्चर ग्राफिक्स ग्रुप एक्सपर्ट, ओके, एक्सपर्ट्स ग्रुप जो बोलते हैं वो है। ठीक है, ऑडियो फॉर्मेट, तो दिस ऑल एक्चुअली डील्स विद दिस ऑडियो एंड वीडियो, कंट्रोल्स यू हैव टू डिफाइन ओवर हियर, प्ले है, बटन चाहिए, कौन सा बटन चाहिए वो भी आपको उधर बताना है। तो ऑडियो टैग में अपने को सिंपल लेना है और उसका पाथ देना है ऑडियो फाइल का, देखो ऑडियो सोर्स इज इक्वल, वो पाथ दे दो, टाइप क्या है ऑडियो एमपेक का है, फिर कंट्रोल्स दे दोगे तो कंट्रोल्स दिखेगा, नहीं दोगे तो नहीं। तो कंट्रोल्स में क्या है, प्ले, पॉज, ये सब बटन्स आपको उसमें दिखेंगे। ठीक है, ये सब वही है। फिर यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट्स, ऑटो प्ले अपने आप ऐसा गोल वाला रिटर्न वाला रहता है ना उसमें आइकन, वो आ जाएगा जैसे ही रेडी हो गया वो बता देगा। कंट्रोल्स दिखेगा, बटन्स, म्यूटेड है, म्यूटेड लिख दोगे तो वो क्या होगा, म्यूट हो रहेगा। सोर्स मतलब URL, वो पर्टिकुलर फाइल कहाँ से चाहिए। लूप मतलब बार 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 उसको रिपीट में चलाना है। तो देखो यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स डाल दिया आपने, देखो ये कंट्रोल्स है प्ले ये सब बटन्स का। तो ऑडियो क्लोज कर दिया, सोर्स में ये ले लिया, टाइप ले लिया, बस हो गया। वैसे वीडियो का क्या है, सिर्फ इसके जगह में वीडियो आ जाएगा, बाकी आपको फाइल वही देना है। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑडियो ले लिया मैंने, सोर्स टैग लिया अपन ने, तो देखो यहाँ पे ऑडियो सोर्स टेस्ट इज इक्वल टू क्या है अपना, ऑडियो कंट्रोल्स ऑटो प्ले, ऑटो प्ले रखना है तो ऑटो प्ले ले सकते हो। फिर सोर्स टेस्ट डॉट MP3, फिर टाइप जो है वही ऑडियो MP3, फिर से वही OGG, ये तीनों का वही सेम टाइप से, फिर आउटपुट वही आएगा। ठीक है ना, अभी वीडियो का देख लेते हैं। वीडियो में क्या है, सेम वीडियो में सिर्फ वीडियो टैग डाल दो, URL डालो, कंट्रोल्स डाल दो, क्लोज कर दो, सेम SRC कंट्रोल्स। फिर इसमें हाइट और विड्थ देना पड़ता है, हाइट तो देना पड़ेगा क्योंकि वीडियो प्लेयर जो होता है वो चाहिए ना अपने को कितना बड़ा चाहिए। ऑडियो में क्या है, सिर्फ यही दिखता है अपने को ऑडियो में, ठीक है ना, पर वीडियो में ऐसा वीडियो दिखेगा आपको। ठीक है ना, तो इसका विड्थ वगैरह देना पड़ेगा ना, तो उस हिसाब से। तो हाइट हो गया, कंट्रोल्स फिर से वही प्ले पॉज बटन वाला दिखने के लिए, ऑटो प्ले, ऑटो प्ले करना है तो सोर्स कहाँ से फाइल लेना है वो, हाइट उसका हाइट, लूप स्टार्ट ओवर एंड अगेन, म्यूटेड म्यूट रखना है तो ये देखो ये सब, ये देखो ये प्ले है, ये अगर ऐसा म्यूट रखोगे तो ये ऐसा क्रॉस दिखाएगा इधर ऐसे, और ये फुल स्क्रीन वगैरह वही है, प्री लोड, विड्थ, हाइट, वो सब ये। तो आपको इसमें विड्थ और हाइट ध्यान में रखो, सोर्स ध्यान में रखो, कंट्रोल्स ध्यान में रखो, बस ऑटो प्ले वगैरह थोड़ा ध्यान में रखो एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वीडियो विड्थ हाइट दे दिया, कंट्रोल्स कंट्रोल्स डिस्प्ले करने के लिए, सोर्स क्या है नाम फाइल का, फिर टाइप क्या है, फिर सोर्स जो है आपका ये है फाइल का टाइप का नाम, फिर से वीडियो,
फिर अगर ये नहीं करता सपोर्ट तो ये वाला मैसेज दिखाने का उसको, ठीक है। बाकी ये वाला पहले वाला एक्सेस हो जाएगा, आपका डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका वीडियो टैग। अभी इमेज मैप, इमेज मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इमेज मैप, तो इमेज मैप क्या होता है, यू कैन से इमेज क्या है, बेसिकली मल्टीपल हाई इमेज मैप में आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर इमेज में आप हाइपरलिंक्स मल्टीपल रख सकते हो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, जो आपका इमेज मैपिंग के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। मतलब इस पे आपका एसओपी जो है, शायद से 7th SOP का सोल्यूशन है, 7th SOP है, तो वो उसी पे है इमेज मैप पे, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, पर्टिकुलर एक बड़ा इमेज रहेगा, उसमें अगर कुछ अगर रहेंगे, जैसे एक टॉय रहेगा इमेज में, एक बच्चा रहेगा, एक पर्स रहेगा, एक कुछ भी रहेगा, तो वो पर्टिकुलर सिर्फ मतलब ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के आप उसको हाइपरलिंकिंग करके आप कुछ एक दूसरा वेब पेज में डायरेक्ट कर रिडायरेक्ट कराना तो करा सकते हो, जिसको कि हम लोग हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। मतलब वो जो क्लिकेबल रीजन्स है ना, उसको हम लोग हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। सो इमेज मैप इज वॉट क्रिएटिंग मार्किंग सर्टन रीजन्स, दैट इज द इमेज वी आर मेकिंग द इमेज एज क्लिकेबल, एंड दिस क्लिकेबल रीजन्स आर कॉल्ड एज हॉटस्पॉट्स, ठीक है। तो इस हिसाब से इमेज इमेज मैप्स कितने टाइप के होते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वी आर सीइंग दिस एज क्लाइंट साइड। तो इमेज टैग से इमेज लेते हो आप लोग, ये तो पता है अपने को, ठीक है ना। इमेज लेते हो, फिर उसको क्या करते हो, इमेज लेते हो, फिर src इज इक्वल टू फाइल का नाम देते हो, फिर ऑल्ट देते हो एक एट्रीब्यूट जो कि सर्च इंजिन के लिए नीड है, जो कि आपको डिस्क्राइब करता है वो इमेज कौन से टाइप का इमेज है, क्या इमेज होगा वो, ठीक है ना। वो तो इमेज इंसर्ट एन इमेज, देन क्रिएट क्लाइंट साइड इमेज मैप, यूज मैप एट्रीब्यूट, यूज मैप एट्रीब्यूट से आप करते हो उसको, और हैश सिंबल यूज करते हो। तो यूज मैप एट्रीब्यूट क्या करता है, ये एक पॉइंटर की तरह एक्ट करता है, जो कि क्लाइंट साइड इमेज मैप का इमेज का डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन नहीं, मतलब इमेज बताता है आपको, ठीक है। मैपिंग मतलब वो मैप करता है आपको, जो मैं बोला ना कि मैप करके आप क्या करते हो, रीडायरेक्ट करवाते हो, ओके। तो वो किससे आता है, नेम एट्रीब्यूट से आता है, और उसमें वैल्यू स्पेसिफाइड करते हो आप लोग, तो इधर कौन से इसमें कौन सा वेब पेज या कौन सा आपको क्या खुलवाना है उस पर, वो क्लिकेबल रीजन बना के। तो यहाँ पे एरिया, एरिया मतलब कितना है, कौन सा एरिया, ऐसा सर्कल वाला एरिया है क्या, पर्स वाला एरिया है क्या, बच्चे वाला एरिया है क्या, वो कितना एरिया आपको लेना है वो। तो वो क्लिकेबल जो रीजन है उसका एरिया क्या रहेगा, कैसे टाइप का एरिया रहेगा, वो अपने को लेना है। तो शेप इधर दिया हुआ है, जैसा एरिया में क्या आएगा तो देखो यहाँ पे ऑल्ट मैंने बताया था, मतलब जो बताता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट बताता है, पर्टिकुलर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है वो इमेज के बारे में, ठीक है। शेप, शेप क्या लेना है, रेक्ट लेना है क्या, मतलब वो पर्स वाला रहेगा तो रेक्ट आ जाएगा, बच्चे वाला रहेगा तो कुछ आप पॉलीगॉन ले लो, मतलब पॉली ले लो आप, बच्चा कैसे आएगा पूरा ऐसा 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 करके आप कवर करोगे, या फिर फुटबॉल रहेगा तो आप सर्कल जैसा करोगे, ठीक है ना। तो सर्कल ले लो, रेक्ट ले लो, पॉली ले लो, उसमें फिर कोऑर्डिनेट्स आपको स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, ठीक है ना। वही क्लिकेबल इमेजेस जो है वो रेक्ट के हिसाब से स्पेसिफाई करना है उसका, यू कैन से x1 x2, फिर x1 y1 y2, चारों कोऑर्डिनेट। सर्कल है तो x और y और उसका रेडियस ऐसा, पॉलीगॉन है तो 6 पॉइंट्स ऐसे, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे HRF मतलब वो क्लिकेबल रीजन जो बना रहे हो आप, तो उसको क्लिक करके वो कहाँ पे नेविगेट होना चाहिए वो चीज़ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक अच्छा सा इमेज मैप का दिया हुआ एग्जाम्पल, सोर्स इज इक्वल टू tulips.jpg। अभी देखो यूज मैप लेके इसको क्लाइंट साइड बना दिया अपन ने यहाँ पे हैश इमेज मैप, ये जो हैश इमेज मैप से इधर आपने इसको डिफाइन करना चाहिए। तो इधर जैसे आप मैप नेम इज इक्वल टू ये लिखोगे, वो इधर कॉल हो जाएगा, मतलब वो इसको लिंक्ड हो जाएगा ये इमेज को, ऐसा रहता है, ठीक है ना। और ऑल्ट दिया अपन ने, ऑल्ट तो देना ही रहता है, ओके। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ऑल्ट क्यों देते हैं करके, इस एक्सरसाइज में पूछा हुआ है। फिर मैप नेम लिया अपन ने, एरिया, एरिया क्या है HRF, एरिया क्या करना है अपने को, रेक्ट लेना है, शेप, कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है, ऑल्ट तो गूगल साइट दिया है, मतलब ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्शन। तो उस हिसाब से एक रेक्ट का एक स्पेस उधर क्रिएट हो जाएगा, वो वाला जो रीजन है ये कोऑर्डिनेट्स के अंडर, पर्टिकुलर अगर सपोज ये स्क्रीन है, ठीक है ना, पर्टिकुलर ये स्क्रीन है, तो रेक्ट का आपने फिर इतना वाला स्क्रीन बना दिया ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से, x1 x2 y1 y2, मतलब x1 y1 x2 y2, ऐसा, तो उस हिसाब से, ठीक है ना। फिर एरिया HRF, एरिया HRF फिर से आप क्या करोगे, लिंकिंग दोगे एक पर्टिकुलर वेब पेज का लिंक, फिर क्या करना है उसको, सर्कल बनवाना है, मतलब शायद से एक सर्कल बनाओगे, उसको लिंकिंग दे दोगे और उसको ऑल्ट दे दोगे, पॉली, फिर शेप पॉली लोगे एक, फिर कितने देंगे, 3 3 6 और ये 7,
ठीक है, नंबर्स दोगे तो जैसा आपको जो पॉलीग्राफ बनाना है वो, फिर बस बाद में क्लोज कर देना है आपको। और ये जो फाइल्स है वो क्रिएट भी हुआ रहना मांगता है, लोकल फाइल्स जो है क्रिएट हुआ रहना, मतलब रहना मांगता है उधर, वही वेब वही फोल्डर में रहना मांगता है जिधर आपने ये एचटीएमएल लिखा हुआ है। नहीं तो क्या है, वो जब भी क्लिक करोगे ना आप तो वो खुलेगा ना। ये टोटल आपको मिल जाएगा, अगर आपको प्रैक्टिकली सीखना है तो 7th SOP का जो है सोल्यूशन ही है पूरा। अभी आई फ्रेम मतलब क्या होता है, इनलाइन फ्रेम्स होता है, ठीक है, ये ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग वगैरह में यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो इसको स्क्रॉल ब्रास वगैरह नहीं रहता है इतना। देखो इसका भी है एट्रीब्यूट, सोर्स है, हाइट है, विड्थ है, नेम है, SRC डॉक करके, ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट। देन देखो यहाँ पे दिया हुआ आई फ्रेम XYZ हाइट और विड्थ, बस दे देखे ऐसे एक फ्रेम दिख जाएगा आपको बस, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग लास्ट पार्ट पे, दैट इज वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या करते हैं हम लोग, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया कि वेब को कैसे होस्ट करते हैं फ्री में, लोकल से आप लाइव कैसे करते हो, ठीक है, लोकल जो भी आपके PC में रहेगा तो उसको हम लोग लाइव कैसे बनाते हैं, मतलब ये करते हैं, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा इसके आपके मेरे चैनल में मिल जाएगा, या फिर देखता हूँ इसके आई बटन में या एंड स्क्रीन में देने के लिए, ठीक है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो वेब होस्टिंग क्या है, जिधर आप आपका जो वेबसाइट है पूरा होस्ट करते हो, जाके मतलब होस्ट करते हो मतलब इंटरनेट पे लाइव करवाते हो उसको, ठीक है ना, कुछ स्टोरेज स्पेस उधर खरीदते हो। वैसे तो होस्टिंगजर वगैरह ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ के आपको मिलता है पैसे देके, पर फ्री में भी मिलता है, जो कि मैं बताऊंगा अभी। वेब होस्ट जो है 101, उधर भी आप अपना ईमेल ID वगैरह ये करके कर सकते हो, मैंने बताया हुआ भी है ये, एक्चुअली प्रैक्टिकली बताया हुआ है, देखना है तो देख सकते हो जाके। तो जो वेबसाइट है उसको अपने इंटरनेट पे अवेलेबल कराना है तो हम लोग वेब होस्टिंग की मदद से करते हैं, ओके। कंपनीज जो प्रोवाइड कर दिए होस्टिंग सर्विसेज, वो वेब होस्ट होती हैं, वेब सर्विस उन लोग मैनेज किए रहते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के हिसाब से। तो ऐसे 3 टाइप्स के होते हैं, शेयर्ड होस्टिंग, फ्री होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग। फ्री में तो फ्रीली मिलेगा, शेयर्ड में थोड़ा सस्ता मिलता है, मतलब क्या होता है एक सर्वर एक ले लेते हैं और जगह होता है और वो 100 जन शेयर करते रहते हैं, शेयर नहीं करेंगे पर वो कंपनी शेयर करके देगी। और डेडिकेटेड मतलब वो आप खुद ही एक अपना ही अलग स्पेस पूरा करोगे, मतलब कोई भी और वेबसाइट उधर नहीं रहेगा, तो कैसा है आपका स्पीड भी ज्यादा रहेगा। और इसमें कैसा है शेयर्ड में, कैसे सब मिल बांट के काम करेंगे तो जाहिर से बात है गर्दी तो रहेगा ही ना, और कम भी रहेगा पैसा, पर इसका स्पेशल ले रहा हूँ तो भाई ज्यादा रहेगा, पैसा भी ज्यादा रहेगा। और लार्ज वेबसाइट्स के लिए लेते हैं अपन जिधर ट्रैफिक वगैरह ज्यादा आता है, तो शेयर्ड होस्टिंग कॉस्ट इफेक्टिव है, डोमेन नेम वगैरह मिलता है इसमें, ठीक है। देन फ्री होस्टिंग में आप फ्री लेते हो, आप अपना डोमेन वगैरह नहीं रहता इसमें, और डेडिकेटेड में तो मिलता ही है, ठीक है, और ये एक्सपेंसिव है, ठीक है स्टूडेंट्स, यही था। ओके फाइन, द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। Now you can go through with these, you can say आपका HTML का जो है input, मतलब वही क्या क्या मैंने जैसे बताया था सब वही, देखो वही है सब उधर से उठाया हुआ है, ठीक है ना, सब उधर से उठाया, अनऑर्डर लिस्ट, ऑडियो वीडियो, आई फ्रेम, तो ये समरी अच्छे से कर लेना, ठीक है, फिर बाद में देखो ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह, ओके। तो इसमें भी जैसा था डैश एलिमेंट, स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है, तो आपका क्या है डॉक टाइप HTML, ठीक है ना। फिर ये डैश टैग इज अ HTML टू डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट ऑफ द वेब पेज, मेटा टैग, ठीक है ना। OL ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट में ये वाला UL टैग लेते हैं अपन, क्रिएटेड यूजिंग UL टैग। इनलाइन फ्रेम के लिए आई फ्रेम लेते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो टैग के लिए वीडियो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब पूरा अभी ये वीडियो में नहीं जाते हम लोग, बिकॉज ये अगर इसमें जाऊँगा तो और वीडियो लंबा हो जाएगा। सो आप लोग के लिए स्पेशल मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा चाहिए तो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो पूरा वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो आप लोग जाके देख सकते हो हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज का। तो ये था आपका रिवीजन सेशन फॉर योर फर्स्ट चैप्टर। बच्चों लोग का जो रिक्वेस्ट था बहुत सारे का था, फर्स्ट का चाहिए था, तो 20 मार्क्स का देखो है, इतना मेहनत लिया है मैंने, तो आप लोग भी मेहनत लो, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। जो HTML प्रोग्राम्स मैंने बताए, फॉर्म के रिलेटेड प्रोग्राम्स बताए, वो सब अच्छे से करो, लिस्टेड नेस्टेड लिस्ट वगैरह जो देखा वो देखना, इमेज मैप वाला प्रोग्राम देखना, फिर आपका जो यू कैन से CSS के ऊपर जो देखा था, पोजिशनिंग के ऊपर, एब्सोल्यूट वो रिलेटिव वगैरह उसके ऊपर देखना एक, फिर आई अपना ये वीडियो और ऑडियो टैग के ऊपर जो हम लोगों ने प्रोग्राम देखे थे वो सब देखना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो भी वीडियोस मैंने बताया, जैसे मोबाइल पे अपना ये क्या बोलते हैं वेब होस्टिंग का जो एक बताया को मैंने वीडियो, और एक इमेज मैपिंग का जो SOP 7 है, ये सब आपको मिल जाएगा चैनल में, तो ये वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्टूडेंट। सो टिल देन आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस, और कुछ कमेंट रहेगा डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड डेफिनेटली
शेयर दिस विथ योर फ्रेंड स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स? तो मेहनत का कुछ तो ये करो भाई, और फॉलो कर लो आप लोग इंस्टाग्राम पे विथ टेक्नियोजन यूजर नेम, फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कनेक्टेड रहो, और इंस्टा पे भी और ट्विटर पे भी और टेलीग्राम पे भी, चारों चैनल हैं, आप लोग उसमें कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स? तो टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।